डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आज हम कोई एड नहीं करने जा रहे, मतलब आज कोई सवाल नहीं करेंगे, बल्कि आज कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन आपको जहन में होगी, बिल्कुल हो सकती है। तो उसके बारे में आज हम कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, आइए ज़रा उसको देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि आपको कुछ बातें जो है वो समझ में नहीं आ रही होंगी, जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ, जैसे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? हमारे लिए एसेट है, और एसेट अगर इंक्रीज होगा तो आप उसे अपने कैश फ्लो में क्या करेंगे? लेस करेंगे। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एसेट अगर इंक्रीज होगा तो उसे आप अपने कैश फ्लो में क्या करेंगे? लेस करेंगे। अब सवाल ये है कि क्यों लेस करेंगे? इसकी मिसाल मैं आपको दे चुका था कि एसेट यानी इन्वेंट्री इंक्रीज कब होगी। इन्वेंट्री उस वक्त इंक्रीज होगी जब आप इन्वेंट्री को क्या करेंगे? परचेज करेंगे। और अगर आप परचेज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने कैश अदा किया होगा। बिल्कुल अदा किया होगा सर। तो जब आपने कैश अदा किया होगा तो आपके पास से कैश गया होगा। जब कैश गया होगा तो उसे आप अपने कैश फ्लो में क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्योंकि हम कैश फ्लो पर, कैश फ्लो का मतलब ये कि कैश अगर आ रहा है तो अपने पास ऐड कर लीजिए, कैश अगर जा रहा है तो अपने पास से क्या कर लीजिए? लेस कर लीजिए। बस ये कैश फ्लो का मकसद है। तो आपके पास अगर इन्वेंट्री इंक्रीज होती है तो इसका मकसद क्या है कि इन्वेंट्री हमने परचेज की, इन्वेंट्री परचेज की तो हमने दुकानदार को कैश अदा किया, कैश अदा किया तो हमारे पास से कैश चला गया, कैश चला गया तो उसे अपने पास से क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। ये बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे सर? उसे हम उसे ऐड करेंगे। सर ये बात भी समझ में आ रही है। कैसे समझ में आ रही है? कि इन्वेंट्री अगर डिक्रीज होती है तो क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि आप इन्वेंट्री को क्या करेंगे? सेल करेंगे। इन्वेंट्री डिक्रीज होने की एक ही वजह है। क्या वजह है? कि आप इन्वेंट्री को क्या करें? सेल करें। जब आप इन्वेंट्री को सेल करेंगे, जिसको भी आप बेचेंगे वो उसके बदले आपको क्या देगा? कैश देगा। जब वो आपको कैश देगा तो इसका मतलब आपके पास कैश आएगा, और जब कैश आपके पास आएगा तो उसे आप अपने पास क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्योंकि कैश आपके पास बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो आपसे अपने पास क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसीलिए जब इन्वेंट्री डिक्रीज होती है तो कैश बढ़ता है, और कैश बढ़ेगा तो उसे अपने पास क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं रिसीवेबल की। डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। अगर अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो, रिसीवेबल क्या है? हमारा एसेट है। एसेट डिक्रीज होगा तो उसे भी आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों? वजह भी समझ लेते हैं। रिसीवेबल कब डिक्रीज होता है? रिसीवेबल उस वक्त डिक्रीज होता है जब आप अपने कस्टमर से कैश कलेक्ट करते हैं, यानी जिसको आपने उधार दिया होता है, माल उधार पे बेचा होता है, उसको आपसे उधार लेना होता है, उसके ऊपर जितना भी उधार है वो उधार कम कब होगा? जब वो आपको पैसे अदा कर देगा। जब वो आपको पैसे अदा कर देगा तो रिसीवेबल क्या हो जाएगा? रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएगा, एसेट डिक्रीज हो जाएगा। और उसके बदले आपके पास क्या आएगा? उसके बदले आपके पास कैश आएगा, कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा तो आपके पास कैश क्या हो जाएगा? इंक्रीज। कैश इंक्रीज हो जाएगा तो अपने पास कैश को क्या करेंगे? आप ऐड कर लेंगे। हम बात सिर्फ कैश के हवाले से करते हैं। तो रिसीवेबल डिक्रीज होने का मतलब यह है कि आपने अपने कस्टमर से कैश कलेक्ट किया, आपके पास कैश बढ़ गया, आपके पास कैश बढ़ गया तो अपने कैश फ्लो में उसे क्या कर लेंगे? आप ऐड कर लेंगे। सर ये वाली बात भी समझ में आ गई कि अगर रिसीवेबल डिक्रीज होगा तो अपने पास ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि कैश बढ़ रहा होगा। अब जो बात है वो जरा समझिएगा। इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, अगर अकाउंट रिसीवेबल बढ़ता है तो उसे हम अपने पास से क्या कर लेते हैं? लेस कर लेते हैं। सर ये वाली बात पहले भी समझ में नहीं आई थी और आज भी समझ में नहीं आ रही कि रिसीवेबल अगर इंक्रीज हो तो हमारा कैश कैसे डिक्रीज होगा? क्योंकि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जब रिसीवेबल इंक्रीज होगा, क्योंकि रिसीवेबल हमारे लिए क्या? एसेट। एसेट इंक्रीज होगा तो अपने पास से क्या करेंगे? आप उसे लेस करेंगे। इसकी वजह अभी तक समझ में नहीं आई तो इसकी वजह अभी थोड़ी देर के बाद समझते हैं। अच्छा पहले ये समझ लीजिए कि रिसीवेबल इंक्रीज होने की वजह क्या होती है, यानी रिसीवेबल कब बढ़ता है? हमारा रिसीवेबल उस वक्त बढ़ता है जब हम कस्टमर को उधार पर माल बेचते हैं, तब हमारा रिसीवेबल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अब उधार पे अगर हम माल बेचते हैं, आप अपने जहन में एंट्री लेकर आइए कि अगर हम उधार पर माल बेचते हैं तो हम एंट्री क्या बनाते हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सर इस पूरी एंट्री में कहीं पर भी कैश का जिक्र ही नहीं है। जब कैश का इसमें जिक्र ही नहीं है तो कैश पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जब कैश पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो कैश फ्लो पे हम इसे क्यों शामिल करते हैं? देखिए इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है, पहले पॉइंट पर आएगा, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है। इन्वेंट्री डिक्रीज होने का मतलब है आपने माल बेचा। अगर आप माल बेच रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास कैश आ रहा है, कैश आ रहा है। सॉरी, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने का मतलब आपने माल परचेज किया। परचेज करने का मतलब है कि आपके पास माल आ रहा है और आपके पास से कैश जा रहा है, इसीलिए हम लेस कर रहे थे। इन्वेंट्री डिक्रीज होने का मतलब आपके पास से माल जा रहा है तो इसका मतलब आपके पास कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो अपने पास क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, रिसीवेबल डिक्रीज कब होता है? जब आप अपने कस्टमर से कैश कलेक्ट करते हैं, कैश कलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो उसे अपने पास क्या कर रहे हैं? आप ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कब होता है? जब आप उधार पर माल बेचते हैं, और उधार पर माल बेचने के लिए हम एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। इस पूरी एंट्री में कहीं पर भी कैश का जिक्र नहीं है तो फिर हम इसे लेस क्यों करते हैं? इसको अभी इग्नोर कर दीजिए।
डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल क्या है, लाइबिलिटी। मैंने कहा लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो कैश भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अपने पास से आप उसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। यानी अगर लाइबिलिटी डिक्रीज तो अपने पास से क्या करेंगे, आप उसे लेस करेंगे। सर क्यों लेस करेंगे, एक बार फिर बता दीजिए, हम भूल गए, बचपन की बातें थी। वो बात इस वजह से थी कि वो वजह इसकी है, उसकी वजह ये है कि भाई आपकी जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो लाइबिलिटी क्यों डिक्रीज होती है, लाइबिलिटी उस वक्त डिक्रीज होगी जब आप अपनी लाइबिलिटी अदा कर देंगे। यानी जितना आप पे कर्जा होगा, अगर वो लाइबिलिटी आप अदा कर देते हैं सप्लायर को, अगर आप कैश पे कर देते हैं, तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आप कैश पे कर रहे हैं। कैश जब आप पे कर रहे हैं इसका मतलब आपके कारोबार से कैश जा रहा है। जब कैश जाएगा तो आप उसे अपने कैश में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। इसीलिए लाइबिलिटी डिक्रीज होने की सूरत में उसे हम अपने कैश फ्लो में क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारे कारोबार से कैश जाता है। अब आखिरी पॉइंट, इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। कोई भी लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो सर हम उसे ऐड कर देते हैं। लाइबिलिटी इंक्रीज तो कैश भी इंक्रीज, ये आपने बताया था, रट्टा लगवाया था, बताया नहीं था आपने कि लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो सर आप उसे ऐड कर दीजिएगा, बता दिया मैंने अभी भी। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो अपने कैश फ्लो में उसे क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। सर वजह तो बता दें क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो इंक्रीज होने की वजह क्या होती है, लाइबिलिटी आप पर उस वक्त इंक्रीज होगी जब आप उधार पर माल खरीदेंगे किसी से। लाइबिलिटी कब इंक्रीज होगी, जब आप किसी से उधार पर माल खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने मर्चेंडाइज खरीदी उधार पर, जब आप उधार पर माल खरीदेंगे तो आप पर लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी सर हम पर, तो हम अपने पास उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे सर, उसकी वजह बता दें, क्योंकि जब हम उधार पर माल खरीदते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं, परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल ट्रेड। यहाँ पर कहीं पर भी कैश का जिक्र नहीं आया, यानी जब हम उधार पर माल खरीदेंगे तो ना हमारे पास कैश आ रहा है और ना ही हमारे पास से कैश जा रहा है, तो फिर हम उसे अपने कैश फ्लो में ऐड क्यों करते हैं। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो बात समझ में आ रही है कि सर हमारे पास से कैश जा रहा है, लेकिन लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो रही है तो कैश कैसे आ रहा है वो बात समझ में हमें नहीं आ रही। तो इन दो बातों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर रिसीवेबल इंक्रीज हो तो लेस क्यों करते हैं, और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो ऐड क्यों करते हैं। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। सेल्स लिखी है मैंने कितनी, 1 लाख रुपए की। लेस करता हूं मैं इसमें से एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जितने भी एक्सपेंसेस है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो भी एक्सपेंसेस है, वो सब मिलाकर मैंने एक साथ इसमें से लेस कर दिया। जितने भी एक्सपेंसेस सब मैंने लेस कर दिया। सेल है 1 लाख रुपए की, तमाम खर्चे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब मिलाकर 30,000 रुपए के हमारे खर्चे बनते हैं। तो 1 लाख में से अगर मैं 30,000 रुपए लेस कर दूं तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना बनता है, मेरा नेट प्रॉफिट बनता है 70,000 रुपए का। ये बात हमें समझ में आती है कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 70,000 रुपए। अब अगर हमारा नेट प्रॉफिट 70,000 रुपए हुआ तो हमारी जो हमारे जहन में भी ये बात होती है कि हमारा कैश फ्लो भी कितना हुआ होगा, 70,000 रुपए। लेकिन ये बात हम शुरू में डिस्कस कर चुके थे कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, जरूरी नहीं है कि हमारे कारोबार में कैश भी उतना ही आया हो। आमतौर पर लोगों के जहन में ये बात होती है, जो जिनको नहीं पता वो ये बात सोचते हैं कि जितना प्रॉफिट होगा उतना ही कैश भी आएगा। नहीं जी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर मैं किसी को बोलूंगा भाई इस साल मुझे 70,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो बोलेगा अच्छा इसका मतलब 70,000 रुपए तुम्हारे कारोबार में कैश भी आया। मैं बोलूंगा नहीं भाई, जरूरी नहीं है कैश 70,000 रुपए आया। तो बोलेगा भाई एक्सप्लेन करो कैसे नहीं आया। तो जरा इस बात को मैं समझिएगा, सेल्स पर आइएगा। इस वक्त जो मैंने सेल्स लिखी है 1 लाख रुपए, जरूरी नहीं है कि तमाम की तमाम सेल मैंने कैश पर की हो। तो इसके मैं आपके सामने इसकी हिस्ट्री शो कर रहा हूं। क्रेडिट सेल 1 लाख रुपए की जो सेल है, इसमें से उधार पर जो सेल की है वो मेरी है 40,000 रुपए की, और कैश पर जो सेल की है वो मैंने कितने की सेल की है, वो मैंने 60,000 रुपए की मैंने सेल की है। ये जो मेरा सेल का ब्रेकअप है 1 लाख रुपए का, ये वो वाला ब्रेकअप नहीं है जो हो जाता है, ये वो वाला ब्रेकअप है जो कारोबार के वैल्यूज में जो ब्रेकअप होता है। यानी कि अलग अलग करके मैंने बयान किया कि 1 लाख रुपए की जो सेल है वो 1 लाख रुपए की सेल कैसे है। इस 1 लाख रुपए की सेल में से 40,000 रुपए की सेल मैंने उधार पर की है और 60,000 रुपए की सेल मैंने कैश पर की, ये मिलाकर कितने हो गए 1 लाख रुपए। अब मैं उधार की सेल की अगर मैं बात करता हूं तो जरा देखिएगा, जो मेरा बिगिनिंग रिसीवेबल था यानी कस्टमर से साल के शुरू में जो मुझे पैसे लेने थे वो कितने लेने थे, 3 लाख रुपए माल बेचने से पहले। फिर उसके बाद मैंने उधार पर माल बेचा, कितने का माल मैंने उधार पर बेचा, मैंने 40,000 रुपए का माल मैंने कस्टमर को उधार पर बेचा। कस्टमर के ऊपर मेरा जो बिगिनिंग रिसीवेबल है यानी पहले से जो उधार है वो कितना है, वो 3 लाख रुपए का। अगर मैं कस्टमर को 40,000 रुपए का माल और उधार पर बेचता हूँ, हालांकि मैंने उसे 1 लाख रुपए का माल बेचा, लेकिन 1 लाख में से 60,000 रुपए का माल तो मैंने कैश पर बेचा, उसके पैसे तो उसी वक्त मिलकर, वो मामला तो उसी वक्त हल हो गया। जो उधार वाली सेल की है वो कितने की सेल की है मैंने, 40,000 रुपए की। अगर मैं उधार पर सेल कर रहा हूँ
तो मेरा उधार जो कस्टमर के ऊपर था पहले वो 3 लाख रुपए का था, अब जब मैंने उसे उधार पर दोबारा माल बेचा तो कस्टमर के ऊपर मेरा उधार क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्रेडिट सेल की वजह से 40,000 रुपए का मेरा उधार क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब मैं ये बोलूंगा कस्टमर को कि भाई साल के शुरू में आप पर जो उधार था मेरा वो 3 लाख रुपए का था, लेकिन अब आपके ऊपर जो मेरा उधार होगा वो कितना होगा, वो 3,40,000 रुपए, यानी जो मेरा एंडिंग रिसिवेबल होगा वो कितना होगा मेरा, वो मेरा 3,40,000 रुपए का मेरा एंडिंग रिसीवेबल होगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब जरा मैं कैश की बात करता हूँ। जो लोग कह रहे थे कि सर आपको अगर 70,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब 70,000 रुपए आपके पास कैश भी आया होगा, अब मैं उन्हें कह रहा हूँ नहीं भाई, 70,000 रुपए कैश मेरे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो मैंने सेल की है 1 लाख रुपए की, उस 1 लाख रुपए की सेल में उधार वाली सेल भी शामिल है, वो कितने की है, वो 60,000 रुपए की है। तो वो अगर मैं 60,000 रुपए वाली सेल हटा दूं वहां से, तो सिर्फ कैश वाली सेल अगर मैं यहाँ पे शामिल करूँ तो कैश वाली सेल कितने की है, सिर्फ 60,000 रुपए। यानी जो मेरे पास कैश आया है वो 1 लाख रुपए कैश नहीं आया। ऊपर जो आपको सेल नजर आ रही थी 1 लाख रुपए की, आपके जहन में बात ही होगी सर अगर आपने 1 लाख रुपए सेल की तो आपके पास 1 लाख रुपए कैश भी आया होगा। अब मैं आपको कह रहा हूं कि भाई 1 लाख रुपए कैश नहीं आया, कैश पे सेल कितनी की, सिर्फ 60,000 रुपए की। तो सेल के बदले जो कैश आया वो कितना कैश आया, वो सिर्फ 60,000 रुपए आया। ओहो सर, अच्छा ऐसी बात थी। अच्छा खर्चे तो आपने कैश पे अदा किए होंगे ना? मैंने बोला हाँ जी, खर्चे मैंने कैश पे ही अदा किए सारे के सारे। तो मैं यहाँ से अपने खर्चे अगर लेस कर दूँ 30,000 रुपए के, तो आप बोलेंगे ओहो सर इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रॉफिट जिसके बदले आपके पास कैश फ्लो हुआ यानी कैश आया है वो कितने का बनता है, 30,000 रुपए। सॉरी सर, हमें माफ कीजिएगा, हम समझे कि 70,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 70,000 रुपए ही कैश आया होगा। हालांकि मेरे पास प्रॉफिट 70,000 रुपए का ही है, लेकिन कैश कितना आया मेरे पास, मेरे पास कैश आया है सिर्फ 30,000 रुपए। क्योंकि इस 70,000 रुपए में 40,000 रुपए की सेल वो है जो मैंने किस पर की है, जो मैंने उधार पर की है। और जब मैंने उधार पर सेल कर रहा हूं तो उसके बदले मेरे पास कैश नहीं आ रहा। तो हम अब जरा बात को मैं समझेगा, ये जो मैंने अभी कैश फ्लो अपना मालूम किया, मेरा कैश फ्लो कितना बनता है, मेरा कैश फ्लो 70,000 रुपए नहीं बनता, बल्कि मेरा कैश फ्लो कितना बनता है, 30,000 रुपए बनता है। यानी मेरे कारोबार में जो कैश एक्चुअली आया है वो कितना कैश आया है, वो 30,000 रुपए। 60,000 रुपए कैश आया था सेल करने से, 30,000 रुपए कैश चला गया एक्सपेंसिस देने की वजह से, तो मेरे कारोबार में जो कैश बचा वो कितना कैश बचा, 30,000 रुपया कैश बचा। ये जो अभी हमने कैश फ्लो कैलकुलेट किया वो मैंने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया, यानी कि इसी तरीके से कैलकुलेट किया, यानी ऊपर वाले तरीके से ही कैलकुलेट किया, पहले सेल फिर एक्सपेंसेस और फिर हमने अपना कैश फ्लो मालूम किया। ये तरीका कौन सा मेथड कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा डायरेक्ट मेथड, यानी जिसमें हम ऊपर के तरीके से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जो दूसरा तरीका है जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली इनडायरेक्ट मेथड, अब उस पर आते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड में आप शुरू से कैलकुलेशन नहीं करते, यानी अपनी सेल से कैलकुलेशन नहीं करते, बल्कि आप अपने नेट प्रॉफिट के अंदर वापस जाकर एडजस्टमेंट करते हैं। तो अब मैं उसी बात पर वापस आ जाता हूँ कि अब मैं इनडायरेक्ट मेथड से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, 70,000 रुपए। मैंने नेट प्रॉफिट अपना कितना लिखा, 70,000 रुपए। अब मेरी बात को दोबारा समझेगा, इस प्रॉफिट के अंदर, इस 70,000 रुपए के प्रॉफिट के अंदर सेल इंक्लूड है, कितनी की सेल इंक्लूड है, 1 लाख रुपए की इंक्लूड है। और इस 1 लाख रुपए की सेल के अंदर 40,000 रुपए की सेल ऐसी है जो क्रेडिट पर की गई है, और इस 40,000 रुपए के बदले मेरे पास कैश आया ही नहीं है। तो ये बात हमने आपको याद हो शुरू में पढ़ी थी कि जिसके बदले कैश हमारे पास नहीं आया और अगर वो हमारे प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड है तो उसे अपने प्रॉफिट में से क्या कर दीजिए, आप निकाल दीजिए, ठीक है। यही बात हम लोगों ने शुरू में पढ़ी थी कि हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उसका हमारे प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं होता, हमारे प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड होता है, तो इसे हम उसे वापस क्या कर देते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। तो इसी तरीके से सेल्स, हमारा जो नेट प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट के अंदर हमारी जो सेल शामिल है 1 लाख रुपए की, इस सेल में 40,000 रुपए की सेल वो है जिसके बदले तो पैसा हमारे पास आया ही नहीं है। तो जब ये पैसा हमारे पास आया ही नहीं है तो इसे हमारे प्रॉफिट में शामिल भी नहीं होना चाहिए, हम इसे अपने प्रॉफिट में दोबारा से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो देखिए रिसीवेबल हमारा इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ, यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है कि पहले रिसीवेबल कितना था, 3 लाख, अब रिसीवेबल कितना हो गया, 3,40,000 रुपए। यानी रिसीवेबल में कितने का इजाफा हुआ, 40,000 रुपए का इजाफा हुआ। तो अगर मेरा रिसीवेबल 40,000 रुपए से बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमने 40,000 रुपए की सेल क्रेडिट पर की है, और अगर मैंने क्रेडिट पर सेल की है तो इसके बदले मेरे कारोबार में पैसा नहीं आया। जब पैसा नहीं आया तो इसे मेरे प्रॉफिट में शामिल होने का भी हक नहीं है। जब इसे प्रॉफिट में शामिल होने का हक नहीं है तो क्योंकि ये आपके प्रॉफिट में ऐड हुआ हुआ है तो इसे सही करने के लिए वापस क्या कर दीजिए, आप इसमें से लेस कर दीजिए। तो मैं यहां पर लिखता हूं लेस इंक्रीज इन अकाउंट रिसिवेबल, अकाउंट रिसिवेबल में इजाफा हुआ, कितने का इजाफा हुआ, 40,000 रुपए का। तो अब मेरा जो नेट प्रॉफिट बनेगा जिसके बदले मेरे कारोबार में कैश फ्लो हुआ होगा वो कितना होगा, 30,000 रुपए। तो ये हमने इनडायरेक्ट मेथड से यानी रिवर्स मेथड से हमने कैलकुलेट किया तो हमारा कैश फ्लो कितना शो हो रहा है, 30,000 रुपए। यहाँ पर भी कैश फ्लो कितना शो हो रहा था, अगर मैं डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहा था तो भी 30,000 रुपए शो हो रहा था,
जो मैंने इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया तो भी कितना कैश फ्लो शो हो रहा है, 30,000 रुपये शो हो रहा है। प्रॉफिट मेरा 70,000 रुपये ही रहेगा। कोई प्रॉफिट के बारे में ये नहीं कह सकता कि आपने गलत प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, नहीं प्रॉफिट मेरा बिल्कुल सही है, लेकिन कैश फ्लो मेरा 70,000 रुपये नहीं है, कैश फ्लो मेरा कितना है 30,000 रुपये। प्रॉफिट तो हुआ 70,000 रुपये, लेकिन कारोबार में जो पैसा आया वो पैसा 70,000 रुपये नहीं आया, बल्कि पैसा सिर्फ कितना आया, पैसा सिर्फ मेरे कारोबार में 30,000 रुपये आया। यानी 40,000 रुपये मेरा पैसा एज प्रॉफिट के अंदर ऐसा प्रॉफिट है जिसके बदले मेरे कारोबार में अभी पैसा आया ही नहीं है, तो उसे मैंने अपने प्रॉफिट में से निकाल के बाहर कर दिया। तो ये वजह है कि जब रिसीवेबल इंक्रीज होता है तो उसे अपने प्रॉफिट में से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। यानी एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसे अपने पास से क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। वजह मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। अब आते हैं जरा अकाउंट्स पेबल पर। सेल्स लिखी मैंने फिर से 1,00,000 रुपए। अब परचेजेस, अब मैंने बाकी एक्सपेंसेस हटा दिया, अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, परचेजेस की बात कर रहा हूँ। सेल में से आप परचेज को क्या कर लेते हैं, लेस कर देते हैं। तो परचेज कितने की हमने, 30,000 रुपए की परचेज की, माल खरीदा, और कोई खर्चा नहीं है हमारे कारोबार में, सिर्फ सेल कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं, और कोई खर्चा नहीं है फिलहाल, इस बात को जहन में रखिए। तो प्रॉफिट कितना शो होता है मेरा, 70,000 रुपए का प्रॉफिट शो हो गया सर, पिछले वाली कहानी है बिल्कुल। बस फर्क सिर्फ इतना हो गया कि सर आपने एक्सपेंसेस की जगह पर जो है वो परचेजेस का लफ्ज देख दिया, बस ये बात हुई। तो कोई एक्सपेंसेस नहीं है, आज सिर्फ परचेजेस है यहाँ पर। अगर मैंने परचेज की 30,000 रुपए की, तो जाहिर सी बात है जिससे मैंने माल खरीदा होगा उसे मैंने कैश दिया होगा, जब कैश दिया होगा तो मेरे पास से कैश किया होगा। हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 1,00,000 रुपए की जो सेल की है मैंने, वो पूरी की पूरी सेल मैंने कैश पर की है, कोई उधार सेल नहीं है, सारा का सारा माल मैंने कैश पे बेचा। तो सर इसका मतलब आपके पास 1,00,000 रुपए कैश आया, मैं बोला हाँ जी बिल्कुल कैश आया। आप कह रहे हैं सर आपने माल खरीदा तो आपके पास से कैश गया भी तो होगा 30,000 रुपए, मैंने बोला नहीं, एक प्रॉब्लम है कि सारा का सारा माल मैंने कैश पर नहीं खरीदा। तो फिर मैंने कितने का माल कैश पर खरीदा उसकी हिस्ट्री मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। क्रेडिट परचेज, जो मैंने उधार पे माल खरीदा, उधार पे कितने का माल खरीदा मैंने, 20,000 रुपए का। कैश पे मैंने माल खरीदा, कितने का माल खरीदा मैंने, 10,000 रुपए का माल खरीदा। यानी जो 30,000 रुपए का मैंने माल खरीदा है, इसमें से 20,000 रुपए का माल मैंने उधार पे खरीदा और 10,000 रुपए का माल मैंने कैश पे खरीदा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये मेरे पास ये बात नहीं होती, ये जो ब्लैक वाला बॉक्स है, अगर ये मेरे पास नहीं होता तो आप ये समझते कि सर आपके पास 1,00,000 रुपए कैश आया, 30,000 रुपए आपके पास से कैश गया क्योंकि आपने माल खरीदा, तो आपके पास नेट प्रॉफिट बचा 70,000 रुपए। तो इसका मतलब आपके पास कैश भी बचना चाहिए 70,000 रुपए। तो अब मैं आपको इस बात को क्लियर कर रहा हूँ, नहीं जी मेरे पास 70,000 रुपए कैश नहीं बचेगा। सेल की मैंने भले 1,00,000 रुपए की, कैश मेरे पास 1,00,000 रुपए आया क्योंकि मैंने पूरी की पूरी सेल जो है वो कैश पे की है, लेकिन खर्चा जो मैंने किया यानी जो परचेज की, वो मैंने पूरी की पूरी परचेज मैंने कैश पे नहीं की, बल्कि उसमें 20,000 रुपए की परचेज किस पर हुई है, उसमें 20,000 रुपए की परचेज उधार पर हुई है। तो आइए जरा इस बात को देखते हैं नीचे से, कि जो मेरा बिगिनिंग पेबल था यानी जो मुझे कर्जदारों को कर्ज अदा करना था साल के शुरू में, वो कितना कर्ज अदा करना था मुझे, 2,00,000 रुपया कर्ज अदा करना था। उसके बाद मैंने उधार पर माल खरीदा, कितने का माल मैंने उधार पर खरीदा, 20,000 रुपए का माल मैंने मजीद उधार पर खरीद लिया। तो अब मुझे लोग कहेंगे कि भाई आपको पहले कर्जा देना था 2,00,000 रुपए का, यानी पहले से आपके ऊपर कर्जा मौजूद था 2,00,000 रुपए का, आप 20,000 रुपए का माल और उधार पर लेकर जा रहे हैं, तो आपके ऊपर अकाउंट्स पेबल यानी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मुझ पर लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, कितने की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, 20,000 रुपए की, क्योंकि मैंने क्रेडिट पर परचेज की। तो अब मुझ पर जो लायबिलिटी बचती है एंड पर, वो कितने की लायबिलिटी हो जाएगी मुझ पर, 2,20,000 रुपए की मुझ पर लायबिलिटी। पहले लायबिलिटी कितनी की, 2,00,000 रुपए की, अब लायबिलिटी कितनी हो गई, 2,20,000 रुपए की, यानी मुझ पर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। कितने से इंक्रीज हो गई, 20,000 रुपए से मुझ पर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब वापस आते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट पर। सेल्स मेरी उतनी रही 1,00,000 रुपए, क्योंकि मेरे पास जितनी भी सेल थी वो सबकी सब सेल मेरी कैश पर थी, तो मेरे पास कैश भी कितना आया, 1,00,000 रुपए। ठीक है सर ये बात समझ आएगी, लेकिन सर अब आप कैश की बात अगर करते हैं तो परचेज जो आपने की है वो 30,000 रुपए की जो आपने परचेज की थी, उसमें से 20,000 रुपए की परचेज तो उधार पर है, उसके बदले तो आपके कारोबार से कैश गया ही नहीं। तो फिर कैश कितना गया आपके कारोबार से, कैश आपके कारोबार से गया है सिर्फ 10,000 रुपए। तो यहां से आप लेस भी कितना करेंगे, सिर्फ 10,000 रुपए आप यहां से लेस करेंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं लेस परचेजेस, जो मैंने परचेज की वो कितने की मैंने कैश पे परचेज की, 10,000 रुपए की। देखिए 1,00,000 रुपए का माल मैंने बेचा तो मेरे पास 1,00,000 रुपए कैश आया। परचेज की, परचेज हालांकि की है मैंने कितने की, 30,000 रुपए की, लेकिन पूरा 30,000 रुपए मेरे कारोबार से कैश नहीं गया, बल्कि कैश सिर्फ कितना गया, जो माल मैंने कैश पे परचेज किया, कैश पे कितने का माल परचेज किया, सिर्फ 10,000 रुपए का। तो कारोबार से कैश भी सिर्फ कितना गया, 10,000 रुपए ही गया। तो 1,00,000 रुपए कैश आया और 10,000 रुपए कैश अगर चले जाए तो मेरे पास कैश कितना बचेगा, जो कि प्रॉफिट की सूरत में बचेगा, वो मेरे पास 90,000 रुपए कैश बचना चाहिए। हालांकि ऊपर शो कितना हो रहा है, मेरे पास कैश कितना बच रहा है, 70,000 रुपए, क्योंकि प्रॉफिट कितना शो हो रहा है मेरा, 70,000 रुपए। तो आपके जहन में भी ये होना चाहिए कि सर आपके पास अगर प्रॉफिट 70,000 रुपए,
तो कैश भी आपके पास 70,000 रुपये होना चाहिए। तो मैं आपको ये बात वजाहत कर रहा हूँ इस बात की कि नहीं जी, मेरे पास प्रॉफिट बिल्कुल सही है 70,000 रुपये, लेकिन कैश मेरे पास 70,000 रुपये नहीं बच रहा। क्यों नहीं बच रहा? क्योंकि जो इसमें खर्चा है, यानी जो परचेज है 30,000 रुपये, वो पूरा 30,000 रुपये मैंने अभी अदा नहीं किया। अभी मैंने सिर्फ कितना अमाउंट अदा किया है कैश पे, कितने की परचेज की मैंने? सिर्फ 10,000 रुपये की परचेज की। तो मेरे पास से परचेज की सूरत में जो पैसा गया वो 30,000 रुपये नहीं गया, वो सिर्फ 10,000 रुपये गया। इसीलिए मैं यहाँ से सिर्फ कितने माइनस कर रहा हूँ? 10,000 रुपये। ये मेरा कौन सा मेथड है? ये मेरा डायरेक्ट मेथड है, यानी जो ऊपर वाली कहानी लिखी हुई है उसी के तरीके से मैं इसको सॉल्व करते हुए आ रहा हूँ। तो आप कहेंगे, अच्छा सर, आपके पास कैश 70,000 रुपये नहीं, बल्कि आपके पास कैश कितना बचेगा? 90,000 रुपये। तो अब इसको मैं इनडायरेक्ट मेथड से समझ लेता हूँ। और प्रॉफिट कितना मेरा? प्रॉफिट जितना है उतना ही लिख लीजिए। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 70,000। अब वहीं से शुरू करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना? 70,000 रुपये। इस 70,000 रुपये के प्रॉफिट में जो हमारी परचेज माइनस हुई हुई है, देखिए परचेज यहाँ पे क्या हुई है? माइनस हुई हुई है। कितने की परचेज माइनस हुई हुई है? 30,000 की परचेज माइनस हुई है। इस 30,000 की परचेज माइनस होने का मतलब ये कि हमारे कारोबार से 30,000 रुपये कैश गया। लेकिन सर, हमारे कारोबार से 30,000 रुपये तो कैश गया ही नहीं। कारोबार से कैश कितना गया? सिर्फ 10,000 रुपये कारोबार से कैश गया। तो बाकी 20,000 रुपये जो यहाँ से आपने माइनस किए हैं, उसके बदले तो कैश गया ही नहीं। और जिसके बदले कैश नहीं गया, वो हमारे प्रॉफिट में शामिल भी नहीं होना चाहिए। जब प्रॉफिट में शामिल नहीं होना चाहिए, तो सर इसे आप वापस अपने प्रॉफिट में क्या कर दीजिए? एडजस्ट कीजिए। कैसे एडजस्ट करेंगे? कि 20,000 रुपए यहां से क्या हुआ हुआ है? माइनस हुआ हुआ है। तो एडजस्ट करने के लिए, सही करने के लिए, वापस मैं इसमें क्या कर दूंगा? 20,000 रुपए को एड कर दूंगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, एड इंक्रीज इन पेबल, यानी जो लाइबिलिटी मुझ पर इंक्रीज हुई, कितने की इंक्रीज हुई? 20,000 रुपए की। वो मैंने यहां पर क्या कर दी? एड कर दी। 20,000 रुपए क्यों ऐड की? क्योंकि 20,000 रुपए का माल मैंने उधार पे परचेज किया। तो देखिए यही बात यहाँ पे शो हो रही है कि लाइबिलिटी मुझ पर एंडिंग कितनी है? 2,20,000 रुपए की। पिछली लाइबिलिटी कितनी थी मुझ पर? 2,00,000 रुपए की। तो लाइबिलिटी में कितने का इजाफा हुआ? 20,000 रुपए का इजाफा हुआ। क्यों इजाफा हो रहा है? क्योंकि मैंने उधार पर माल परचेज किया होगा, और जब उधार पर माल परचेज करूंगा तो उसका मेरे कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए मैंने अपने नेट प्रॉफिट में उसे क्या किया? एडजस्ट किया है, सही किया है। सही करने के लिए, क्योंकि वो मेरे प्रॉफिट में से माइनस हुआ हुआ था, तो सही करने के लिए वापस मैंने उसे अपने प्रॉफिट में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो अब देखिए मेरा वापस नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यानी कैश फ्लो मेरा कितना शो होगा? 90,000। यानी जो मेरा एक्चुअल कैश आया मेरे कारोबार में, वो मेरे कारोबार में 70,000 रुपए कैश नहीं आया, बल्कि कारोबार में कैश कितना आया? मेरे कारोबार में 90,000 रुपीज कैश आया। तो ये बात मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की कि अगर रिसीवेबल इंक्रीज हो तो हम लेस क्यों करते हैं, और अगर पेबल इंक्रीज हो तो हम ऐड क्यों करते हैं। इसकी वजह मैंने अभी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। अगर अब भी आपके जहन में कंफ्यूजन हो, कोई पॉइंट जो आपको परेशान कर रहा हो, वैसे तो आप लोगों ने मुझसे ये पूछा ही नहीं, हालांकि आप लोगों को पूछना चाहिए था, बहरहाल फिर भी मैंने खुद ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपके जहन में कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझसे जरूर पूछा कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारे अब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।